भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो लोकसभा सांसद विष्णुदत्त शर्मा पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक कर अपने अपने बूथ को मजबूत करने पर चर्चा की। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हर कार्यकर्ता को अपने घर पर भाजपा का झंडा लगाने, दीवार पर कमल का फूल बनाने और गले पर भाजपा का गमछा डालने का पूरा अधिकार है। इससे उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। इसके साथ ही प्रत्याशी बजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, हमें सभी काम को छोड़कर चुनाव में लगना चाहिए। हमने 5 साल तक जो सीखा है उसकी परीक्षा का समय अब आ गया है। एक बूथ पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, विकास और गरीब कल्याण ये हमारी ताकत है। और आज आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और कार्यकर्ताओं की ताकत प्रत्येक बूथ पर जो खड़ी है, ये सजग प्रहरी के नाते से इन झूठ बोलने वाले कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए एक एक कार्यकर्ता बूथों पर खड़ा है। सजग प्रहरी बनकर के हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे, यही हमने टारगेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कुशल रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे। पन्ना विधानसभा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, पन्ना जिले की अन्य सीटें भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक बहुमत की सरकार।